खजनी थाने की पुलिस ने अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने वाले 3 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि खजनी पुलिस ने 3 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र अंबिका सिंह निवासी ग्राम बेलडार थाना खजनी जनपद गोरखपुर, दूसरा सोवेंद्र यादव पुत्र कपिल यादव निवासी बेलडार थाना खजनी जनपद गोरखपुर, तीसरा राजेश भगत पुत्र किरण भगत निवासी तान थाना कुंडू जिला लोहरदगा झारखंड, हाल पता AKS मार्का ईट भट्टा बेलडार थाना खजनी गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि गैंग लीडर जितेंद्र सिंह अपने गैंग के सदस्य के साथ सुसंगठित गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु खजनी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने व बेचने का कार्य करते थे। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना खजनी पुलिस को विगत दिनों अवैध अपमिश्रित शराब बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली थी, जिसमें 3 सदस्य थे। इनके विरुद्ध विवेचना से आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। पूर्व में भी इस गिरोह का आपराधिक इतिहास था, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन लेकर के आज थाना खजनी पुलिस ने इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग दर्ज किया है। ये अपमिश्रित शराब बनाने का एक संगठित गिरोह है। आगे इस अभियोग में जो अभियुक्त हैं, इनकी अपराध से अर्जित संपत्तियों की जानकारी कर इनके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करते हुए अपराध से अर्जित संपत्ति भी कुर्क कराई जाएगी।